दाई भी दी रही है। अब माता जी मुझे छोड़ दीजिए, हमारी उम्र कितनी है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं प्रदीप पटेल फिर से एक ब्लॉग के साथ मैं आया हूँ, और आइए मैं अब आपको गौ गौरी गोपाल में भंडारा कैसे बनता है, भोजन कैसे बनता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए भैया, ये बहुत मेहनत करते हैं, कंटिन्यू हजारों की संख्या में लोग आते हैं, और किसी को भी रत्ती भर का अनाज कम नहीं होता है। तो भैया आप क्या बना रहे हैं? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन कितनी कितनी संख्या में बना रहे हैं? 2000 से भी ज़्यादा होगा, इसको गुलाब जामुन की काउंटिंग भी मालूम नहीं होगी। ठीक है, और भैया आप क्या कर रहे हैं? क्या बात है, चलिए सब बढ़िया लगे हुए हैं। और देखिए मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, ये भैया ये क्या बना रहे हैं भैया आप बताएं? देखिए आलू के भंडारे ये रखे हुए इतने सारे, ये देखिए इतने बड़े बड़ी कढ़ाई में ये बनते हैं, और सभी मेहनत करते हैं यहाँ पर। ये सब ऐसी बढ़िया साफ सफाई से भोजन बनता है यहाँ पर, और ये बड़े बड़े इतने हंडों में भोजन बनता है। ये बड़े बड़े तवेले देखिए, ये भैया क्या कर रहे हैं, कहाँ जाएगा? हाँ वहाँ पर ना भंडारे में, देखिए भंडारे में कितनी सफाई से ये सब जाता है, और बहुत सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है यहाँ पर गौ गौरी गोपाल में। और भी देखिए यहाँ पर बहुत सारे, मैं आपको लेकर के चलता हूँ, ये देखिए बहुत सारा है। तो या और ये यहाँ पर क्या बन रहा है भैया? चावल। चावल, आओ इधर आओ थोड़ा सा, आप मेरे पास आओ। आप क्या करते हो आप ये बताइए? चावल बनाते हैं। चावल बनाते हैं, दिन भर में कितना चावल बन जाता है? 5-6 क्विंटल। यानी कितने टाइम से कितने टाइम, एक दिन में 5-6 क्विंटल? चलो एक दिन में 5-6 क्विंटल चावल बन जाता है यहाँ पर। यहाँ भंडारे में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। और ये भी है हमारे भाई जो यहाँ पर देख रेख करते रहते हैं। तो आप क्या करते हो यहाँ पे? मैं यहाँ पे मंदिर की साफ सफाई। मंदिर की साफ सफाई, चलिए ये भी बहुत अच्छा धर्म निभा रहे हैं आप। और भी आइए देखिए, हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर रोटी कैसे बनती है। तो अभी शायद रोटी बंद है, पर मैं उनकी मशीन ज़रूर दिखाऊँगा। एक मिनट, मैं अभी आपके साथ भी फोटो क्लिक कराऊँगा। और आइए मैं दिखाता हूँ ये रोटी। भैया इनके जो मशीन के रोटी जो बनाते वो कौन है? वो माए बाप। चलिए किसी को तो मालूम होगा यहाँ का, है ना? आपको मालूम है, जरा आया ले लो। अब आप मुझे ये बताएं, ये जो मशीन है जो पीछे देख रहे हैं ना, तो इसमें कितनी रोटी बन जाती है एक दिन में? भैया थोड़ा सा आप ऐसे आ जाइए। 500 क्विंटल एक दिन में? पागल, 15 क्विंटल। कितना? 15-20 क्विंटल। ओके ओके, तो ज़्यादा हो गया था 500 ना। 15-20 क्विंटल इसमें रोटियां बन जाती हैं। ये मशीन चलाने वाला भाई। अच्छा आप चलाते हैं मशीन? आइए आइए मेरे भाई, आप ही की हाथ की रोटी हम सब खाते हैं। ये देखिए जो भी गौ गौरी गोपाल संस्था में आता है, भंडारा ग्रहण करता है, वो इनके हाथों की रोटी जरूर खाता है। तो आप स्पेशली इनको देख लीजिए, रोटी बनाए, अगर रोटी अच्छी लगे तो आप इनको दुआएं बहुत दीजिएगा, क्योंकि सब आपकी सेवा कर रहे हैं। और चलिए और मैं आगे दिखाता हूँ आपको, ये देखिए एक मिनट थोड़ा सा, ये देखिए सिलेंडर पर सिलेंडर, इतने कंटिन्यू कितने सिलेंडर लग जाते होंगे इसमें? 50 एक दिन के 50। हाँ पूरे दिन में? हाँ 15 पूरे दिन में 15 लगाते एक दिन में। 15-20 तो लग ही जाते होंगे सिलेंडर यहाँ पर। और हाँ जी, ये मशीन है, ये रोटी चलती रहती है यहाँ पर। अभी रोटी का स्टॉक हो चुका है, इसलिए अभी ये बंद है। अभी कुछ देर बाद, 1-2 घंटे बाद फिर रोटियाँ खत्म होती हैं, फिर उसके बाद फिर रोटियाँ बनती हैं। तो मैं आपको और दिखा रहा हूँ, ये बहुत अच्छा है, आप देखिए कितनी साफ सफाई है, सब कुछ क्लीन है, एकदम क्लीन है सब कुछ। मतलब ये नहीं है कि आप किसी होटल में भी जा रहे हैं तो होटल में भी पैसा देकर के खा रहे हैं, उसके बाद भी आपको भोजन सही नहीं मिलता, पर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। आप आइए भोजन ग्रहण कीजिए, और हमारे श्री अनिरुद्धाचार्य जी को बस दुआएं दीजिए। और भी देखिए मैं दिखाता हूँ, और आएंगे, आइए आइए। ये इसमें क्या बनता है भैया? अरे वाह, एक मिनट, ये जो मशीन है, ये जो आटे की है, इसमें आटा गूंथता है? नहीं, इसमें आटा डालता है वहाँ से, यहाँ से बनकर। कहाँ से आटा डलता है? हाँ हाँ, फिर क्या बात है, वहाँ से लोई निकलती है। ओके ओके, फिर उसके बाद क्या बात है, देखिए फिर यहाँ से आटा घुस करके जाता है, और फिर वो मशीन से होकर के ये रोटी पूरी ये इससे निकलती है। हाँ जी हाँ जी, ये सिककर के पूरी मशीन से रोटी निकलती है। तो आप सभी देखिएगा और वृंदा बनाइएगा जरूर, तो आश्रम जरूर आइएगा गौ गौरी गोपाल संस्था में,
और आप यहाँ पे भंडारे का प्रसाद जरूर पाइए, क्योंकि देखिए इतने साफ सफाई से ये सब, और ऐसे भी नहीं है ये ब्रांड है, ये देखिए ये चावल के ब्रांड हैं जो यूज़ करते हैं, ये यहाँ पर कोई भी ख़राब चावल नहीं आते हैं, जो भी ये बहुत अच्छा ब्रांडेड ही चावल आता है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा ही महाराज जी ने ये व्यवस्था बनाई हुई है। और यहाँ पर भी देखिए बड़ी बड़ी मशीनें हैं ये सारा देखिए आप, मैं साइड भी दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए ये देखिए, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, ये भंडारा गृह है। चलिए ये मसाले की मशीन है, ये देखिए इतनी सारी मिर्ची, इससे ज़्यादा मिर्ची और गरम मसाले, शायद गरम मसाले का यूज़ नहीं होता है ना, गरम मसालों का यूज़ नहीं होता है, जो है इसमें अदरक और मिर्च वगैरह ये सब इसमें पीसी जाती है। और ये बड़े प्यारे प्यारे भैया हैं हमारे, बहुत लगे हुए हैं सबको प्रसाद खिलाने के लिए, और सभी बच्चे लोग बहुत मेहनत करते हैं, ये देखिए सब बहुत मेहनत करते हैं, अपनी अपनी जगह पर सबसे ही हैं, बहुत अच्छे हैं। तो चलिए मैं आपको देखिए तो यहाँ पर ये सब तैयारी चल रही है, मैं आपको और भी आगे वीडियो ऐसे अच्छे अच्छे लाता रहूँगा और दिखाता रहूँगा। चलिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, मेरे ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो और भी मैं लाता रहूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।